Eu com a base forte. Vem o que isso vai dar. नमस्कार शिक्षा, वेलकम बैक टू रियल टाइम ब्लॉग्स। मैं आपका दोस्त अजीत भाई आज आपके बीच में है आपके फेवरेट पवन गुप्ता। अगर हम दूसरे तरीके से बोलूँ पवन गुप्ता ऑफिशियल इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक ब्लूटेक के साथ। तो पवन भाई, अगर आपने वीडियो पर नए हैं और आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहले आज अभी आप लोग को पिछली वीडियो में जैसे आपने देखा है पूरी ट्रेनिंग कैसे होती है, कितनी मेहनत करते हैं ऐसे ही बॉडी बनाने के लिए। भाई देखो अपन फैमिली पैक वाले हैं, ये सिक्स पैक वाले हैं। तो जानते हैं इनका रूटीन कैसा है और कैसे इन्होंने इस स्पोर्ट्स में आए, अगर स्पोर्ट्स में नहीं होते तो कहाँ होते, क्या कर रहे होते और उसके बाद क्या फ्यूचर का गोल है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन सिंपल सा और बनाओ कि अगर स्पोर्ट्स में नहीं होते तो क्या करते हो? स्पोर्ट्स में नहीं होते तो टाइम मिल नहीं पाता। बचपन से ही स्पोर्ट्स में तो कब से आप हो? पढ़ाई तो बिल्कुल कुछ नहीं था। अच्छा पढ़ाई पसंद नहीं तो स्पोर्ट्स में तो पैसे तो पूरी डेडिकेशन स्पोर्ट्स को करते हैं। 2002 से दूसरे दिन में नहीं दूसरे में 2007-08 में 7-08 में दूसरे से पहले कराटे बॉक्सिंग में किक बॉक्सिंग में तो वो भी इतना बड़ा रिस्की सारे रिस्की गेम गेम आप लोग तो इसमें कब से मतलब अभी क्या कर रहा आप? जॉब हो क्या? जॉब में आप भी एयरफोर्स में? बहुत बढ़िया भाई, देख लो स्पोर्ट्स डेडिकेशन के साथ एयरफोर्स में है भाई। और अपना डेली का रूटीन कैसा है? सुबह का रूटीन रहता है कि सुबह प्रैक्टिस में ट्रेनिंग करता हूँ, फिर हम जाके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वापस तो दिन में कितने घंटे ट्रेनिंग होती है? सुबह 2 घंटे एक लोग 3 घंटे यहाँ भी तो फिर शाम को और दिन के करीबन 7 घंटे आप लोग भाई सीधी सी चीज़ है, हम लोग 9 घंटे ऑफिस में जॉब करते हैं भाई, 7 घंटे से प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब स्पोर्ट्स के लिए जो डेडिकेशन है, आप किसी भी चीज़ में जाओ ना तो डेडिकेशन जरूरी है, मतलब पूरी डेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी उसके अंदर। तो आपका पूरा मील क्या रहता है खाने तक की? एक्सरसाइज करते हो तो शरीर को कैसे वो करना? सुबह सुबह भाई वर्कआउट कर रहे हैं कुछ खा लिया। हाँ अच्छा, ड्राई फ्रूट सैंडविच स्कूल की जरूरत है। अच्छा फिर वर्कआउट के बाद यहाँ आने से पहले दो ग्राउंड है चमक करने का था, एक ग्लास जूस और एक प्रोटीन शेक हो जाता है बॉडी। हाँ अभी प्रैक्टिस कर लिया है, अभी प्रैक्टिस के बाद कितना प्रोटीन लाता होगा प्रोटीन भाई? 30 ग्राम प्रोटीन हो गया, फिर 780 तो एक एक में भाई 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो 50 ग्राम के आसपास आपका पोस्ट फुल वर्कआउट मिल जाता है। वही ऑरेंज कुछ भी मतलब प्रोटीन से पीने कुछ भी कब तक खा लेंगे? तो 35 से 1.5 घंटे पहले खा लूँगा ज़्यादा अच्छा। शाम वही 5:30 बजे डेली रहते हैं हमारे, 4 बजे खा लूँगा। डिनर नहीं, डिनर फिर शाम को बचते हैं ना। अच्छा रात को तो बचते हैं, रात को वही 8 बजे। अगर बात करूँ दिन में आप लोग 5-6 मील होते हैं मतलब? हाँ 5-6 मील होते हैं। ठीक है तो अगर आप पिछली ब्लॉग कहाँ से कर रहे हो? यूपी से ही। तो मतलब यूपी के सख्त लौंडे हमारे साथ हैं भाई, ये दिल्ली के सख्त लौंडे के साथ यूपी के सख्त लौंडे हैं ये। ठीक है अच्छा तो अभी मतलब फैमिली पे कौन कौन है अपने? फैमिली में बड़े भाई हैं, पत्नी है, भाभी है और मैं उसी उसी। ठीक है तो स्पोर्ट्स में कुछ बच्चे आपको फॉलो करते हैं? मैं अगर मैं इंस्टा पर बात करूँ तो भाई करीबन 3 लाख फॉलोवर्स है, तो उनको क्या बोलना चाहोगे इस टाइम पे कि स्पोर्ट्स को लेकर कितना डेडिकेशन जरूरी है? मतलब अपना पूरा ही डेडिकेशन देना जरूरी है, अपनी हार्ड वर्क करो, डाइट भी अच्छा करो, अपना रेस्ट भी करो अच्छा,
तो ऐसा जरूरी है कि मतलब कब जिम स्टार्ट करें तो मैं पूरा सेटअप जरूरी लेवल आप लोगों ने जीरो लेवल से स्टार्ट किया होगा, आज की डेट में 6 पैक है, 17-18 का डोला है, 20 तक जीरो लेवल से स्टार्ट किया था। पहले क्या होता था, मीन तो कुछ नहीं भाई, हमें तो इतना पता नहीं होता था पहले, तो हम कुछ भी खा लेते थे, रोटी खा लिया, चावल खा लिया, कुछ भी पता नहीं क्या खाना क्या नहीं। इनिशियल लेवल में प्रोटीन वोटीन में कब से कुछ भी पता नहीं था। तो मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो इनिशियल जिम स्टार्ट कर रहा हूँ वो प्रोटीन वोटीन का खत्म नहीं है, आप डाइट अच्छे रखो, जैसे फ्रूट्स हो गए, एग्स हो गए, मिर्ची हो गई, राइस हो राइस होगा, प्रॉपर मिल है, प्रॉपर मिल अच्छा मिल रखा है, ऑयली वाला नहीं चाहिए, जंक फूड नहीं होना, बर्गर वर्गर नहीं होना, जो वीक में या मंथ में एक बार खाने तो खा, जो बर्गर वर्गर खाते ना भाई, पिज्जा वगैरह खाते हैं, उनके लिए बॉडी नहीं है, ठीक है। पहली चीज सुन लो, अगर आपको बॉडी बनानी है तो इन चीज को पहले साइड करना है, उसके बाद फिर आपको उसके अंदर आना है। तो अभी थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस के लिए, गवर्नमेंट अभी कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन करा रही है, तो आपको क्या करता को कराना चाहिए, मतलब अपने पेरेंट्स को बोलोगे कराना चाहिए, बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन को कराना चाहिए। भाई जितने भी भैया के यूथ के हैं, भैया की एज के हैं, भैया के फॉलोअर्स हैं, सभी जाके सबसे पहले वैक्सीनेशन कराओ अपना, ठीक है। स्पोर्ट्स में है, उन्होंने वैक्सीनेशन कराई, ऐसा कोई डर टेंशन वाली बात नहीं है, हमने सबसे पहले कराई, सबसे पहले वैक्सीनेशन कराई उन्होंने, ठीक है। तो अभी जो अपने एक छोटा सा वो चीज़ रखा था, आप मैंने पूछा नहीं भाई, पहले बता रहा हूँ, पूछा नहीं मैंने, सीधा बता रहा हूँ, भाई के यूट्यूब पे अराउंड 83,000 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, मतलब 3 लाख फॉलोवर्स है हमारे इंस्टा पे, 86,000 हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, मतलब इतना बड़ा गैप, अभी तक भाई का सिल्वर बटन नहीं आया, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, पहले तो दबा फटाफट सारे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इनका लिंक, वहाँ जाके यूट्यूब पे सब इनको सब्सक्राइब करो, और भाई का सिल्वर बटन आना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और जो भी मिलना चाहता है भाई से तो प्लीज कमेंट करके बताना है कौन कौन मिलना चाहता है, ठीक है, फिर हम बताएंगे कैसे मिलना है भाई से, ठीक है। तो भाई छोटा सा इंटरव्यू, थैंक यू यार, और अभी एक दिन हम इनका पूरा प्रॉपर मील दिखाएंगे कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, बोलने से नहीं है, लंच में क्या खाते हैं, प्री वर्कआउट में क्या खाते हैं, भाई दोबारा टाइम देंगे, सेलिब्रिटी है यार, दोबारा टाइम देंगे, तो इनको प्रॉपर मील दिखाएंगे कैसे सुबह शुरुआत होती है, रात का खत्म होता है। आज के छोटा सा इंटरव्यू, तो तुम्हें मिलते हैं, टाटा बाय बाय।